असलम स्टूडेंट्स, तो आज मैं करोड़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने एक ऐसा काम करना है जिससे हम जब अपनी वेबसाइट खोलें तो वो हमें आज का दिन बताए। तो आज वेनसडे है, तो जब मैं वेबसाइट खोलूँ तो वो मुझे बताए टुडे इज़ वेनसडे। ठीक है, तो वो कैसे होगा कि सबसे पहले हम स्विच स्टेटमेंट डालेंगे। अब वो कैसे, सबसे पहले आप न्यू फोल्डर खोल लें, उसमें आप लोग लिखें स्विच, क्योंकि आज हम स्विच स्टेटमेंट पे काम करने वाले हैं। सबलाइम, सॉरी अंदर खोल लिया है, इधर सबलाइम टेक्स्ट खोलें, सेव करें, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, स्विच, या आप यहाँ पर लिखते हैं डे टेलर, डे टेलर, ओपन इन ब्राउजर डे टेलर। आज हमारे पास बॉडी पे कोई काम नहीं है, सारा काम हमारा इधर ही है। पहले आप पी एक बना लें, आईडी दे दें इसको डेमो, और उसके अंदर कुछ ना लिखें। अब आ जाते हैं स्क्रिप्ट टैग। पहले आप स्क्रिप्ट टैग में एक वेरिएबल बनाएंगे डे के नाम से। ठीक है, आगे बंद किया। अब आ जाए स्विच पे, स्विच गेट डेट डॉट गेट डे। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, अब हम केस बनाएंगे। केस में क्या होगा कि आप लिखेंगे केस जीरो, ऐसे करके आप लिखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको आगे से भी बंद कर रहा हूँ। केस यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा के, अब केस ज़ीरो। ज़ीरो केस में क्या हो, हमारे पास आए डे इज इक्वल संडे, क्योंकि सबसे पहला डे संडे होता है, संडे। उसके बाद हमारे पास ये ब्रेक हो जाए, और यहाँ पर ये बंद। अब मैं कॉपी डाल के 3 1 2 3 4 5 6 जीरो एक आ गया, और ज़ीरो के बाद मैंने 6 और बनाए हैं। 1 मंडे, 2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग हो, केस 1, लेकिन मैं 0 कह रहा हूँ। ठीक है, केस 4, केस 4 मेरे पास है वेनसडे, वेनसडे। केस 5 मेरे पास है थर्सडे, थर्सडे। केस 6 मेरे पास है फ्राइडे, और जो मेरे पास केस 7 है वो मेरे पास है सैटरडे। ठीक है, केस 0 से लेके मेरे पास 1 2, और यहाँ पर मेरे पास 3 आना चाहिए। थोड़ी बहुत काउंटर में कभी कभार गड़बड़ी हो जाती है। रीलोड किया, मेरे पास कोई भी कुछ सभी नहीं आया। अब क्या लिखें आप इसके नीचे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी हमने ऊपर क्या बनाई थी, डेमो। डेमो में क्या हुआ, हमारे पास इनर एचटीएमएल में क्या लिखा जाए, टुडे इज, उसके बाद आपने जो वेरिएबल बनाया था वो लिख दें। अब मैंने टुडे इसके बाद स्पेस क्यों डाली वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने रीलोड किया है, मुझे शो नहीं कर रहा क्या क्या डे है। तो आप क्या करें, सेमी कॉलन एक दफ़ा हटा दें, ब्रेक टैग के नहीं हटाने, जो डे लिखे हैं उनके आगे सेमी कॉलन हटा दें। ठीक है,
ये आप हटा दें, और उसके बाद और यहाँ पर आप अपनी स्टेटमेंट चेंज कर लें, न्यू डेट, ठीक है। क्या लिखा हुआ रहा है, टुडे इज वेनसडे। अब मेरे पास जो वेनसडे है वो इसके साथ मिला हुआ आ रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेस लगाई थी। अब मेरे पास स्पेस से आ रहा है, तो आज सच में वेनसडे ही है, ठीक है, वेनसडे। अब अगर मैं कोई और मेरे पास होगा डे, तो ये उसको चेंज कर देगा। मैं आप लोगों के सामने एक दफ़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जो ये है वो चेंज कर सकता है, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा चेंज करके आपको दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अब मैं जब रिलोड करूँगा तो देखें क्या मेरे पास चेंजेस आती हैं। टुडे इज थर्सडे, मैंने अपना जो टाइम है वो चेंज कर दिया है अभी, और मेरे पास तब थर्सडे आ रहा है, तो यहाँ पर भी थर्सडे आ रहा है। अब मैं अपने डिफ़ॉल्ट टाइम पे करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि फिर से चेंज होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें, मैंने दोबारा डेट एंड टाइम चेंज कर दिया है, और अब वेनसडे है, रीलोड किया तो वेनसडे आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आज इस लेक्चर में मैंने आपको डेट एंड टाइम के बारे में बता दिया है कि कैसे आप अपना डे चेंज कर सकते हैं एक वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो कहने में चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि जितने भी डिज़ाइनिंग सीखनी है वो सीख सकें। तो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।